अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम आमनतु बिललाहि सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام حضرت سجادہ صاحب قبلہ آستانِ عالیہ حضرت مردان علی شاہ صاحب اسٹیج پر رونق افروز قابل احترام عالیہ وقار حضرت العلام حافظ و قاری سید صغیر احمد صاحب قبلہ मद्दज़िल्लाहुल्लाही और दीगर उलमा व मशायखीन स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान और मोअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आप और हम एक मर्तबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीया दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये जलसा जिसमें आप और हम शरीक हैं, एक मकसद के तहत रखा गया है, मनाया जा रहा है। यूँ तो हर रोज़ जलसे होते हैं और हर जलसे का मकसद कुछ ना कुछ हासिल करना, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यकीन जानिए आज के इस जलसे का मकसद एक पैगाम देना है, एक फिक्र पैदा करना है, एक जहन देना है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम हनफी हैं। आप सुनते हैं फला शाफई है, फला हम्बली है, तो हमें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो मसलक है वो हनफी मसलक है। हनफी मसलक क्या है, इस मसलक के बानी कौन है? आपका नाम है नोमान, आपके वालिद का नाम है साबित, आपकी कुनियत है अबू हनीफा और आपका लखब है इमाम आजम। आप 80 हिजरी में तवल्लुद हुए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताला, नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह ताला 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में दुनिया से तशरीफ ले गए। इस मुख्तसर से अरसे में हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ताला ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया? हम सब हनफी हैं, महबूब नगर में हनफी हैं, आंध्रा प्रदेश में हनफी हैं, हिंदुस्तान में हनफी हैं, पाकिस्तान में हनफी हैं, अफगानिस्तान में हनफी हैं, शाम में हनफी हैं, मिस्र में हनफी हैं, सारी दुनिया के मुसलमानों में 80% मुसलमान हनफी हैं, सारी दुनिया के मुसलमानों में 80% मुसलमान हनफी हैं, और हमारे हिंदुस्तान में 95% हिंदुस्तानी हनफी हैं। आखिर वजह क्या है? बड़े बड़े अइमा, बड़े बड़े मुज्तहिदीन सब हनफी मसलक के हैं और चंद है जो ना वो हनफी है, ना शाफई है, ना हम्बली है, ना मालिकी है,
भाई हर किसी को किसी ना किसी की तकलीफ करना, किसी ना किसी के बताए हुए तरीके पर अमल करना, हमारे अंदर इतनी इस्तेताअत, इतनी सलाहियत तो है नहीं कि हम कुरान और हदीस पढ़ के मसाइल निकाल लें। तो उसके लिए हमें अइमा की जरूरत है, मुहद्दिसीन की जरूरत है। तो आज का ये अजीम शान जलसा, हमें यह मालूम होना चाहिए, चूंकि आज का ये जमाना दीन से दूरी का जमाना है, लोग आप और हम इतने मसरूफ हैं कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा है कि कोई हमारे अकीदे पर, कोई हमारे मसलक पर डाका डाल रहा है। तो ऐसे जलसे की, ऐसे जलसों की सख्त जरूरत है। जलसा अगर हो तो इमाम आजम का जलसा हो, जलसा अगर हो तो हनफी मसलक को बताया जाए, ऐसे जलसों की जरूरत है। और इमाम आजम पर लोग बहुतान मानते हैं, इमाम आजम पर लोग एतराजात करते हैं कि आप ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तफसीलात में जाए बगैर उलमाए किराम को सुनना है, आपका तख्वा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, आपका फजल, आपकी जुदो सखा, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपका मुजाहिदा, अल्लाहु अकबर, किस पाए का, आप कैसे तख्वे वाले, आप कैसे परहेजगार। आता है कि आप हर रोज रात में एक कुरान मजीद पढ़ा करते थे, हर रोज रात में एक कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करते थे। कैसा तक्वा, कैसी इबादत, कैसा जोहद, कैसी आपके अंदर लिल्लाहियत। सारे एतराजात यहीं पर खत्म हो जाते हैं कि आपका लखब इमाम आजम है, बस आपका लखब इमाम आजम है, आप इमाम से मशहूर हैं, आप इमाम से मकबूल हैं, सबके इमाम हैं, इमाम आजम कहलाए। तो हाजरीन मोहतरम, तफसीलात में गए बगैर उलमाए किराम को सुनना है। मैं अपना सारा वक्त आने वाले मुकर्ररीन को देते हुए रुख्सत होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।